एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी आ रहा हूँ फैसलाबाद और मुल्तान। 2 सितंबर को मैं मौजूद हूँगा फैसलाबाद में और 4 सितंबर को मैं मौजूद हूँगा मुल्तान में। आप मेरे से मुलाकात करना चाहें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक यह हफ़्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, जिंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं यह हफ़्ता तमाम जॉडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल एरीज 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ औलाद की खुशी और राहत से मिलता हुआ दिखाई देता है। औलाद की फर्मा बरदारी हो, उनकी जानिब से सुख सुकून राहत जो है वो मुझे सराता हुआ दिखाई देता है। बच्चों के मामलात भी जेर बहस रहेंगे, ख़ास तौर पर एरीज जो वालदैन हैं। और अगर मैं ये भी कहूँ कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, कि वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो अभी तक वालदैन नहीं बने उनको भी इस वीक में अल्लाह पाक इस खुशी से हमकिनार कर सकता है। किसी अहम फ़र्द से मुलाकात भी मतवक्को है, मजबी रुझानात की तरफ तवज्जो आप लोग की रहेगी और किसी अहम मीटिंग का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई देते हैं। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा, रूहानी महफिल में शिरकत भी हो सकती है। अपने शोबे से जुड़े कुछ ख़ास लोगों से या असातिज़ा से मुलाकात मतवक्को है। फ़नकाराना सलाहतें आप लोगों की इस वीक के आगाज़ से ही उजागर होती हुई दिखाई देती हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस वीक में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाने से आपके चेहरे पर खुशी और शादमानी के तासरात भी रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, हमराज एडवाइजर्स के साथ भी गपशप करने का मौका मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहता हुआ दिखाई देता है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो ये चीज़ दबाव की सूरत इख्तियार कर सकती है। नौकरी के हासूल के लिए की गई कोशिश बेहतर मौके मुयसर आते हुए दिखाई देते हैं। आपके साथ चलने वाले अफराद, आपके कलीग्स, आपके काम पे जो आपके साथ होते हैं उनकी जानिब से थोड़ा सा तंग किए जा सकते हैं। दूसरों पर आयद जिम्मेदारियाँ और उनकी गफलत की वजह से आपके काम अधूरे भी रह सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मिजाज में चिड़चिड़ापन या लोगों के रवैयों से मायूसी पैदा हो सकती है। कानूनी मामलात ज़ेर बहस रहेंगे, अखराजात में भी दरमियानी हिस्से में इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखिए। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात थोड़ा सा बिगाड़ का शिकार या घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा होता हुआ दिखाई देता है। आपकी गाड़ी सवारी का एक्सीडेंट हो जाना या उसका ख़राब हो जाना, तो इस हवाले से सबसे पहले तो अपनी हिफाजत करें और मोहतात रवैया अपनाते हुए आपने ड्राइविंग करनी है। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को भी दुश्वारी का सामना पैदा हो सकता है। इस वीक का अख्तितामी हिस्सा शरीक हयात के साथ मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं, और वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी का रुझान भी रहेगा। रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफा दिखाई देता है कि दरमियानी हिस्से में जो सख्तियाँ और नाउमीदियाँ बर्दाश्त कर रहे थे उससे निकल कर आपकी पर्सनालिटी, शख्सियत में कॉन्फिडेंस लेवल का लौट कर आना, किसी भी काम की इब्तदा करना, वीकेंड आपके लिए इस हवाले से बेहतर है। ख़रीदारी करने का मौका भी मिलेगा और हो सकता है कि घर से बाहर खाना पीना भी आप लोग का हो सके। नौकरी पेशा अफराद के दबाव में आते हुए नज़र आते हैं। काम का बोझ और हजम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर कारोबारी अफराद की बात की जाए तो आपके लिए भी ये वीक खासा मसरूफ़ रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफियो, 201 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौ टॉरस की जानिब। बुर्ज सौ टॉरस 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। वो अफराद जिनकी अभी तक अपनी ज़ाती सवारी नहीं है, सवारी लेने के हवाले से गाड़ी हो, बाइक हो, साइकिल हो,
तो जो भी मनपसंद आपकी सवारी है उसको लेने के लिए बेहतर मौके मयसर आते हुए दिखाई देते हैं। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र भी आप लोगों का रहे जो खासा खुशगवार रह सकता है। फैमिली के साथ या फैमिली से मुलाकात की गर्ज से भी ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं। घर के कुछ अधूरे काम पेंडिंग काम होंगे जो आपको पूरा करना पड़ेंगे इस वीक में। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आयद होती हुई दिखाई देती है। माजी में किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नतायज इस वीक में मिल सकते हैं। तब्दीली रहाइश मतवक्को है या नौकरी के तबादले के लिए भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी से हमकिनार होते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी मामला संजीदगी इख्तियार करेंगे। रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए बेहतर मौके मयसर आते हुए दिखाई देते हैं। आपका मातहत अमला आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको उनसे फ़ायदा भी हो सकता है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में बच्चों के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। बच्चों की अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात भी ज़ेर बहस आते हुए दिखाई देते हैं। प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। दोस्तों से मुलाकात किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान रहेगा। मजहबी रुझानात की तरफ भी तवज्जो रहेगी। किसी तकरीब में शिरकत करके अपनी रूह को सुकून पहुँचाते हुए दिखाई देते हैं। इल्म अदब सकाफत के हवाले से गहरी दिलचस्पी लेते हुए नज़र आते हैं। किसी ऐसे शख्स से भी मुलाकात होगी जो आपकी आपके लिए खासा इंस्पायरिंग होगा। उसकी पर्सनालिटी, उसका नॉलेज ख़ास तौर पे आपको भी बहुत कुछ सिखा जाएगा। वीकेंड पे अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मायूसकुन हो सकता है। नज़रबद का शिकार हो सकते हैं। अखराजात में इजाफा हो सकता है। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना या शराकदारों के साथ भी मामला थोड़े से ख़राबी का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। किसी के साथ मिलकर को काम काज कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, अचानक गलत फहमी या शकूक व शुबात की बिना पे इस शराकदारी का ख़त्म हो जाना आपके लिए थोड़ा सा मायूसकुन रहेगा। रोज़मर्रा की इनकम आमदन में भी डैमेजिंग सिचुएशन रह सकती है। वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीक के पहले चार दिन का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड पे आखिरी तीन दिन में नुकसान का अंदेशा पाया जाता है, बल्कि कर्ज की सूरत भी पैदा हो सकती है। किसी कीमती चीज़ का गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना आपको मायूस करेगा। हो सकता है कि वीकेंड पे थोड़ा सा आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन रहे, लोगों का रवैया आपको परेशान कर सकता है। मतवक्को है कि रिश्तेदार आपके लिए फ़ायदेमंद और सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आपके समाजी ताल्लुकात आपको फ़ायदा दे सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेपनाह रहेगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र की नीयत रखते हैं आपके लिए आसानी रहेगी। वीज़े के हसूल के लिए या इमिग्रेशन सेटलमेंट के हवाले से भी संजीदगी से सोचते हुए दिखाई देते हैं। नींद आपकी इस वीक में पुरसकून हो सकती है, लेकिन वीकेंड पे नींद का प्रॉपर ना आना या अनरेस्ट होने की कैफियत भी पाई जाती है। वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आपको भी मज़ीद इंतज़ार की ज़रूरत है। आपके लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुकद्दम 184 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाए की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाए 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बेपनाह मसरूफियत, इतनी मसरूफियत के हो सकता है कि शायद अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ना खाने का होश रहे, ना पीने का होश रहे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते हो सकता है कि शायद नींद भी आपकी इस वीक में पूरी ना हो और बेख्वाबी की कैफियत का शिकार रहे। किसी से पैसे लेने के लिए मतवक्को तौर पे अंदरून मुल्क सफ़र हो सकता है, लेकिन उसमें शायद को खातर ख्वाह कामयाबी या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होते हुए दिखाई नहीं देते। छोटे बहन भाइयों से भी कुछ मामलात बिगाड़ का शिकार रहेंगे या वो आप पे हावी रहते हुए दिखाई देते हैं कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कज़न्स के साथ मुलाकात रहेगी जो कि इतने अच्छे माहौल में नहीं, और ख़ानदान में चलने वाले मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं कि फैमिली में कौन किससे नाराज़ है या किसका किससे क्या ताल्लुक़ चल रहा है। कुछ नई खबरें सुनने को इस वीक में बहरहाल आपको मिल सकती हैं। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी रहेगी, ताखीर का सामना हो सकता है। वालिद के साथ भी ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी पाई जाती है तो बाअदब रहने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि इस वीक में कोशिश आप ये करें कि हम
ज़्यादा काम पे फोकस करें और गुफ्तगू कम से कम करें, लेकिन कुछ मामलात में आपको दलील देनी पड़ेगी, आपको होमवर्क अपना पहले से मुकम्मल करना है। अगर आपकी रिसर्च मुकम्मल नहीं होगी तो दूसरे अफराद आपके ऊपर हावी दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुजर सकता है। आप मेहमान आपके घर आते हुए दिखाई देते हैं, वालदा का साथ रहेगा, वालदा की कुर्बत रहेगी, वालदा की जानिब से सपोर्ट और फैमिली मेम्बर्स की जानिब से भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ ऐसी खुफिया सरगर्मियाँ जिसमें आप एक तवील अरसे से मेहनत कर रहे हैं, जो कि जायज़ हैं और रिस्क रोज़गार के हवाले से मेहनत कर रहे हैं, वो भी आज इस वीक में आप अपनी फैमिली को बताते हुए या उनके साथ कुछ बातें शेयर करने का मौका आपको मिलेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल, अचानक ये ख्वाहिश सर उभार सकती है। गाड़ी की तब्दीली या बाइक की तब्दीली भी मतवक्को तौर पे या उसका रूटीन का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका भी मिलेगा। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, कोशिश कीजिए इस वीक में बेहतर मौके मुयसर आ सकते हैं। कारोबार में कुछ मामलात पे इन्वेस्टमेंट भी होती हुई दिखाई देती है। अगर नौकरी का तबादला चाहते हैं तो उसके लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वीकेंड पे महबूब से मुलाकात मतवक्को है। ज़हनी तौर के ऊपर जैसे आगाज़ में मसरूफ़ थे फिज़िकली, इसी तरह मेंटली तौर के ऊपर खासे बिज़ी रहेंगे। वीकेंड पे कोई ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा और किसी गहरी सोच का शिकार भी होते हुए दिखाई देते हैं। किसी अहम फर्द से मुलाकात या मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिजनेस या क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मुनाफा रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए भी मुनाफे का रुझान पाया जाता है। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है। हमराज एडवाइजर्स के साथ भी मुशावरत करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात इस वीक में बेहतर रहेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात पाए जाते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी का सामना, इमिग्रेशन के मामलात में ताखीर का सामना पैदा हो सकता है और सफ़र के दौरान एहतियात की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वीक में अंदरून मुल्क सफ़र तो शायद कुछ बेहतर रहे लेकिन बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या समीयों, 180 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? इस वीक का आगाज़ बेपनाह गुफ्तगू, बोलना, इतना बोलना कि आपको चुप करवाना मुश्किल और कुछ ऐसे अल्फाज भी कह जाना जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो जाए। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। ये हफ्ता जज्बातीत का हफ्ता नहीं है, तहमुल मिजाजी का वीक है। हर काम को बड़े तहमुल मिजाजी और शाइस्तगी से लेकर चलना है। बड़ों के साथ अदब से पेश आना है और छोटों से शफकत करनी है, प्यार करना है, बल्कि सपोर्ट करनी है। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सेविंग के हवाले से कुछ मामलात में भी डिस्कशंस रहेगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर किया जाए, या बैंकिंग मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं, या घर का बजट भी डिस्कस हो सकता है। मुर्गन गिज़ाओं का इस्तेमाल रहेगा, पुराने दोस्तों से रबते की बहाली रहेगी, या रिश्तेदारों से भी मुलाकात मतवक्को है जो कि बेहतर माहौल में रहे। विरासती मामलात आपकी फेवर में जाते हुए दिखाई देते हैं। अपनी अक्ल, हैसियत और ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स और मुश्किलात को दूर करेंगे, नाउमीदी मायूसी को दूर करेंगे, कामों के अंदर मौजूद उन खामियों को दूर करने में कामयाब रहेंगे जो आपके कामों में ताखीर का सबब बनते हैं। दौरान सफ़र खुशगवार माहौल रहेगा, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अलबत्ता अगर किसी काम की गर्ज़ से ट्रैवल कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र आपका इस वीक में हो सकता है। जो इस वीक के दरमियानी 3 दिन हैं उसके अंदर खासा घूमना फिरना रहेगा। काम की गर्ज़ से जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और कुछ नई जिम्मेदारियाँ जो पहले आपने कभी नहीं की थी वो भी इस वीक में आपके सामने आती हुई दिखाई देती हैं। नौकरी पेशा अफराद की जिम्मेदारियों का हजम मज़ीद बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान या घबराहट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए आप इन चीज़ों पर काबू पा लेंगे। वीकेंड फैमिली के साथ गुजरेगा, घर के माहौल
को अगर मैं देखूं तो खुशगवार रहेगा, फैमिली की सपोर्ट रहती हुई दिखाई देती है और घर के भी कुछ अधूरे काम मुकम्मल करने का वीकेंड पे आपको मौका मिलेगा। तज़ीन व आराइश हो, तामीराती काम हो या मरम्मती काम हो, उसमें दिलचस्पी रहेगी और कारोबारी मामलात भी ज़ेर बहस रहेंगे और संजीदगी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वालिद के साथ इस वीक में इख्तलाफात ना हों, वालिद के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क सफ़र में ताखीर हो सकती है, अगर कोई इरादा बन गया है तो मुलतवी होने का अंदेशा इस वीक में पाया जाता है। कोई बात नहीं, डिले हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला का एक नाम है या कद्दूस, 170 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद किसी वजह से भी बीमारी का शिकार थे, हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के आगाज़ से ही शिफायाबी यकीनी तौर पे नज़र आती है। सेहत भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और फाइनेंशली तौर पे भी अगर कोई दबाव की सूरत थी तो उससे भी निकलकर सेविंग की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं कि रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफ़ा, ख़रीदारी, जो चीज़ें नहीं ख़रीद सके थे जो बहुत ज़रूरी थी लेना, वो भी इस वीक में लेते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन है, कोई घर की कोई टीवी है, फ्रिज है, कुछ महंगी चीज़ जो है वो ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। सैर व तफरी का प्लान भी बन सकता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना इस वीक में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि दौरान सफ़र एडवेंचरस किस्म का माहौल किसी हादसे का इशारा करता है, कि अपने सफ़र को इंजॉय करें ना कि उसको जहमत बना लें। किसी नाराज़ शख्स को मनाने में भी कामयाब हो जाएंगे और किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फाइनेंशियल एतबार से बेहतर रहेगा, बड़ों की बुज़ुर्गों की मशावरत शामिल हाल रहती हुई दिखाई देती है, घर से बाहर खाना पीना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, पुराने दोस्तों से राब्ते की बहाली रहेगी, बहस व मुबाहसा करने का मौका भी मिलेगा और दिल की बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। किसी ऐसे शख्स से जिससे तवील अरसे से कोई बात या गुफ्तगू करना चाह रहे थे, रिश्तेदारों से मतवक्को है कि मुलाकात अच्छे माहौल में रहे और फैमिली वाले भी आपके लिए सपोर्टिव रहते हुए दिखाई देते हैं। अपनी अकल हैसियत और शख्सियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स मुश्किलात को दूर करने में कामयाब रहेंगे। विरासती मामलात अगर ज़ेर बहस हैं उसमें फ़तह आपकी यकीनी तौर पर दिखाई देती है। कोई ऐसा फेवर, फ़ायदा, सपोर्ट भी आपको मिल सकता है जो शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो। ससुराल से मुलाकात रहेगी अच्छे माहौल में, ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से इस वीक का आगाज़ बेहतर दिखाई देता है। या दरमियानी हिस्सा भी ठीक रहेगा, लेकिन वीकेंड जो है वो कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। वीकेंड पे मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र किसी ज़रूरी काम के गर्ज़ आपको ट्रैवल करना पड़े। कारोबारी अफराद के लिए यह वीक खासा दबाव का साबित हो सकता है, अगर मुस्तकिल मिजाजी से अपने कामों को मुकम्मल ना किया या अपने कामों पर तवज्जो ना दी, दूसरे आपको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरों की गलती आपको झेलनी पड़ सकती है। और वो अफराद जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस करना है और तवज्जो देनी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या माने 161 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला का इस वीक का आगाज़ अखराजात से होता हुआ दिखाई देता है, जहनी दबाव की कैफियत का शिकार रहेंगे, दोस्तों के रवैये से मायूसी पैदा हो सकती है, उन लोगों से मायूसी पैदा हो सकती है जिनके लिए आप कुछ करते हैं और जब आपको उनकी ज़रूरत है और वो आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, बैरून मुल्क इमिग्रेशन के मामला चल रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ताखीर का सामना दिखाई देता है। हल्के खुदा की खदमत कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा बदले में कि आपको कुछ मिलेगा। अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, बदले की तवक्को जो है वो आपने सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से रखनी है। धोखा दही, फ्रॉड के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता कि आपको कोई सब्ज़ बाग दिखाकर आपसे पैसे हथियाने की कोशिश करेगा, तो पहले से ही केयरफुल
रही है या आपके इमेज को डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है, आपकी साख को मुतासर करने की कोशिश की जा सकती है। अपने हमराज एडवाइजर्स के साथ इस वीक में अवॉइड करें कोई भी बात करना कि अपनी ज़ात तक, अपने हद तक अपनी चीज़ों को महदूद रखें, या सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ आप अपनी चीज़ों को डिस्कस करें। वो अफराद जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं हैं उनसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। पहले दो दिन ये कैफियत रहेगी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके कामों में तसलसल आता हुआ दिखाई देता है, शिफायाबी, सेहत, हेल्थ इम्प्रूव रहेगी, किसी भी काम की इब्तदा नेक साबित हो सकती है। वही दोस्त जिनसे मोहतात रहने की मैंने गुजारिश की थी अब वो आपके लिए ठीक हैं, अब आपके लिए प्रॉब्लम्स को पैदा नहीं करेंगे। पुराने बचपन के दोस्तों से राब्ते की बहाली या सैर व तफरी घूमने फिरने का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। ये वीक जाते जाते फाइनेंशियली एतबार से आपको फ़ायदा देकर जा सकता है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपके अखराजात और वक्त के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं बनेगी। बच्चों की तालीम और तरबियत ज़ेर बहस आ सकती है, बच्चों के मामलात या उनके लिए ख़रीदारी करने का मौका भी मिलेगा। घरेलू मामलात सर उभारेंगे, घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा हो सकता है, इस पर बरवक काबू पाने की ज़रूरत है। अगर आज की बात कल पे कर देंगे या कल हम डिस्कस करते हैं तो मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता वालिद और वालदा की सपोर्ट जो है वो आपके साथ रहती हुई दिखाई देती है। वो अफराद जो बैरून मुल्क विज़िट वीज़े पे या घूमने फिरने की गर्ज़ से या किसी मुख्तसर सफ़र के लिए जा रहे हैं, बैरून मुल्क कुछ मुख्तसर क़याम करना है, तो आपके लिए यह वीक बहरहाल बेहतर साबित हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कयूम, 156 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मैज़ान लिब्रा 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज मैज़ान का इस वीक का आगाज़ किसी एक दरीना ख्वाहिश से दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट, उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी का रहना, उनके साथ दिल की बात करना, उनके साथ मुशावरत करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा या घर में ही किसी तकरीब का अहतमाम करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ मेहमान आपके घर आएंगे, उनकी खदमत खातर तवाज़ो करने का मौका मिलेगा। किसी अहम फ़र्द से, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात आपके लिए बड़ी खुशगवार साबित हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी, इल्मी एतबार से अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए भी दिखाई देते हैं। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनको भी इंतज़ार की ज़रूरत है। यह हफ़्ता कुछ इतना ज़्यादा बेहतर और सपोर्टिव आप लोगों के लिए रहता हुआ दिखाई नहीं देता। ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, बिज़नेस है, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस वीक के पहले दो दिन में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, क्योंकि इस वीक का दरमियानी हिस्सा धोखादही, फ्रॉड, नुकसान और कर्ज़ की निशानदेही करता है कि ऐसा कर्ज जिसको उतारने में एक तवील मुद्दत या वक्त भी लग सकता है अगर इस वीक के दरमियानी हिस्से में आप किसी से कर्ज़ या लोन लेते हैं। बैरून मुल्क सफ़र या इमिग्रेशन के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा अफराद को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस वीक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में, खुदा न खास्ता अपनी किसी गफलत से या किसी हासिद की शरंगेज़ी की वजह से आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ हो क्या रहा है? ये तो सिर्फ जॉब के मामलात हैं, रिलेशनशिप्स में भी, ताल्लुकात में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई शख्स आपकी इज़्ज़त और साख को मजरू करने की कोशिश कर सकता है। कारोबार में नुकसान का अंदेशा भी पाया जाता है, इस इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना या शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं और आपकी सेहत भी थोड़ी सी डाउन महसूस होती है इस वीक के दरमियानी हिस्से में। कानूनी मामलात में दुश्वारियों का सामना रहेगा, लेकिन वीकेंड पे ये वीक जाते जाते इन तमाम खराबियों और खराफात को ख़त्म करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करेगा, कामों में तसलसल पैदा करेगा, रिस्क रोज़गार के हवाले से बेहतर मौके आपको देगा। वो दुश्वारियाँ जो इस वीक के दरमियानी हिस्से में आप महसूस कर रहे थे उससे निकल कर बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या अफू,
156 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक ये वीक आप लोग के लिए आगाज़ होगा मुस्तकिल मिजाजी से। ये बड़ी अहम चीज़ है, उसकी वजह ये है कि जब तक इंसान के अंदर अपनी ज़ात को लेकर या अपने कामों को लेकर मुस्तकिल मिजाजी ना हो और वो ये ठान ले कि हमने अपने मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाना है, तब तक कोई भी काम मुकम्मल और अधूरे नहीं रह सकते या मुकम्मल इंशाल्लाह होंगे। क्योंकि ये वीक आपके लिए मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा अहम है। इस वीक में किए गए मुस्बत फ़ैसले आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी के मामलात हों, घरेलू मामलात हों या कारोबारी मामलात हों। हर लिहाज से ये वीक आपके लिए अहम है। इस वीक को सोकर नहीं गुजारना, बल्कि अमली तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो आपने अभी तक अपनी डायरी में नोट किए हैं या मोबाइल में कहीं पे सेव हैं या आपके दिमाग में चल रही हैं, उसको अब बाहर निकालने की ज़रूरत है और उनको अमली जामा पहनाने की भी ज़रूरत है। रिस्क रोज़गार के हवाले से बेहतर मौके मयसर आते हुए दिखाई देते हैं। तरक्की, प्रमोशन, आपकी इज़्ज़त और साख की बहाली भी इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उसमें आसानी पैदा हो सकती है। कुछ घरेलू मामलात पर भी तवज्जो रहेगी, घर के अमूर भी ज़ेर बहस रहेंगे। माजी में किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे, उसके मुस्बत नताइज इस वीक में आपको मिल सकते हैं क्योंकि इस वीक में किस्मत आपका साथ दे रही है। कुछ स्कॉर्पियंस के साथ ये कैफियत हो सकती है कि काम करते हुए अचानक गनूदगी महसूस करना या ऑक्सीजन लेवल की कमी को महसूस करना या डिहाइड्रेशन को महसूस करना, तो बेहतर है कि पानी का इस्तेमाल इस वीक में आप लोग ज़्यादा रखें। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मुनाफे की सूरत में, जो भी मेहनत आप की थी उसका मुनाफा, फ़ायदा, चाहे वो कारोबार है या किसी से मुलाकात है, उस हवाले में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी मुनाफे का रुझान रहेगा। बच्चों के मामलात भी संजीदगी से ज़ेर बहस आ सकते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। कोई दरीना एक ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा या खींच कर आपको लेके जाया जाएगा कि हमारे साथ किसी तकरीब में चलें, और आपसे इनकार नहीं होगा। हालाँकि जाने से पहले आप अपने ऊपर एक बोझ महसूस करेंगे, लेकिन जब उस तकरीब में पहुंच जाएंगे तो एक अच्छा और खुशगवार जो माहौल है उसको महसूस करते हुए आप भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। बहरहाल वीकेंड आपके लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है कि वीकेंड पे ख़र्चा हो सकता है, बिन बुलाए मेहमान आपके घर आ सकते हैं या किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, सेहत भी थोड़ी सी ख़राब होने का अंदेशा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अलीमो, 150 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? अगर ये कहा जाए कि ये पूरा का पूरा वीक आपके लिए है तो इसमें बेजा ना होगा, क्योंकि ये वीक किस्मत आपके ऊपर मेहरबानी आसानी ये करती हुई दिखाई देती है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और फ़ायदा और मुस्बत नताइज मिलते हुए उसके दिखाई देते हैं। अंदरून मुल्क सफ़र हो, बैरून मुल्क सफ़र हो, उसमें आसानी रहेगी। बड़ा छोटा कारोबार करने वालों के लिए आसानी रहेगी। आपकी जो जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से निभाते हुए दिखाई देते हैं। बहन भाइयों के साथ अगर ताल्लुकात को देखा जाए तो वो भी आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में खासे बेहतर रहेंगे। रूहानियत के शौक़ में अचानक इजाफ़ा या कुछ वज़ाइफ़ करना शुरू कर देना, अभी तक नमाज की पाबंदी नहीं है तो उसकी पाबंदी भी आपके लिए एक खुशगवार तासुर को पैदा करेगी। अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि सेहत का बड़े शिद्दत से ख्याल रखते हुए दिखाई देते हैं कि अब हमें बीमार नहीं होना। आला तालीम का हासूल है, अपनी काबिलियत है, अपने तजर्बात हैं, उनको दूसरों से शेयर करने का मौका भी आपको मिलेगा। कारोबारी अफराद को मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिल सकते हैं। दरमियानी हिस्से में वो अफराद जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला ही नहीं किया कि आखिर हमें अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है, तो आप भी किसी एक हतमी नतीजे पर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं।
रिस्क रोज़गार के हासूल के लिए बेहतर मौाक़े मुयसर आ सकते हैं। मातहत अमला आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। कारोबारी अफराद के साथ अगर नौकरी पेशा अफराद को भी देखा जाए तो आपके ऊपर आयद जिम्मेदारियाँ बड़े ऐसे तरीके से अपने निभाते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी का तबादला भी मतवक्को तौर पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आसानी रहेगी। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। माजी में किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे उसके भी मुस्बत नतज मिलेंगे। और घर में बड़ी अहम मीटिंग भी हो सकती है। कुछ ऐसे मामलात भी घर में ज़ेर बहस आ सकते हैं कि या तो हमें अपने घर की तज़ीन आरइश करनी है या घर को तब्दील करना है, कि तब्दीली रिहाइश इस वीक में हो सकती है। ये वीक जाते जाते को एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी कर सकता है। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, हमराज से भी मुलाकात हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी के मौाक़े नज़र आते हैं। बच्चों के मामलात वीकेंड पे ज़ेर बहस रहेंगे और किसी अहम तकरीब का हिस्सा भी बनते हुए दिखाई देते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस करने वालों के लिए इस वीक में मुनाफे का रुझान वाज़ तौर पर दिखाई देता है। और वो अफराद जो बड़ा छोटा या मुख्तसर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको भी इस वीक के इख्तिताम में फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहसी, 148 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज जद्दी वालों का इस वीक का आगाज़ कुछ खुशगवारी के माहौल में होता हुआ दिखाई नहीं देता। नाउमीदी मायूसी की कैफियत रह सकती है। विरासती मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। मतवक्को है कि ससुराल से मुलाकात रहे जो कि अच्छे माहौल में हो, लेकिन दौरान सफ़र कुछ हर्डल्स मुश्किलात को महसूस करना, अजनबी अफराद से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, अखराजात में इजाफा होना, रिश्तेदारों से अपने रिश्तेदारों से मायूसी पैदा होती हुई दिखाई देती है, पुराने बचपन के दोस्तों से अचानक रबता मुनक़ा हो जाना और मुरगन गज़ाओं का इस्तेमाल आपकी सेहत को भी ख़राब कर सकता है। खुश खुराकी करते वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिएगा। आपकी जज्बातीत जो है वो लोगों की दिल आज़ारी कर सकती है। अगर आपने तहमुल मिजाजी शाइस्तगी का मुजाहरा ना किया, बड़ों बुज़ुर्गों की सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। बड़ों बुज़ुर्गों से डांट डपट भी आपकी हो सकती है। ये कैफियत पहले दो दिन खैर रहेगी, उसके बाद कामों में तसलसल लौटता हुआ दिखाई देता है। रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफा नज़र आता है। कहीं से पैसे आने की उम्मीद की जा सकती है। ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। मद्दे मुकाबल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। वालिद की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। नींद पुरसकून, और अगर को ख्वाब देखें इस वीक के दरमियानी हिस्से में तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मजहबी रुझानात की तरफ तवज्जो रहेगी। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र भी रहे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वीकेंड में मसरूफियत बेपनाह, जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं कि ये इस वीक का आगाज़ जितना मायूस कन था, इस वीक का जो इख्तिताम है वो उतना ही ज़्यादा मसरूफ़ और खुशगवार तासुर आपके लिए छोड़ के जाएगा, कि वो काम भी आपके होते हुए दिखाई देते हैं जो शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो, और एक अच्छा और यादगार वीक ही आपका साबित हो सकता है अगर तहम्मुल मिजाजी और शाइस्तगी के साथ अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं। दोस्त आपको फ़ायदा दे सकते हैं, दोस्तों की जानिब से फ़ायदा मिल सकता है। अलबत्त नौकरी पेशा अफराद के मामलात में थोड़ा सा दबाव ज़रूर रहेगा इस वीक के आगाज़ में, लेकिन इख्तिताम तक चीज़ें नॉर्मल बैक टू नॉर्मल होती हुई दिखाई देती हैं। रिस्क रोज़गार नौकरी के हसूल के लिए की कोशिश रंग लाती हुई दिखाई देती है। किसी ताल्लुक या सिफारिश को इस्तेमाल करके भी कामयाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और वीक के इख्तिताम तक फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहीमन, 145 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफे से दिखाई देता है। ख़रीदारी करने का मौका भी आपको मिलेगा। शरीक हयात का साथ नज़र आता है। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलों में सुख लौट कर आएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से मामलों ज़ेर बहस भी रहेंगे, और अगर किसी वजह से आप दोनों के माबैन नाराज़गी चल रही है उसको ख़त्म करने का मौका भी मिलेगा।
यह हफ़्ता उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी की बात चलने के हवाले से, सोचने के हवाले से बेहतर मौके भी रहेंगे और शराकतदारों के साथ कुछ अहम किस्म की मीटिंग्स या डिस्कशंस भी इस वीक में हो सकती हैं। कुछ कानूनी माहदे ज़ेर बहस भी आ सकते हैं। इस वीक का आगाज़ आपके लिए किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए नेक साबित हो सकता है। सैर व तफरी, घूमने फिरने का प्लान भी बनता हुआ दिखाई देता है, या किसी नाराज़ शख्स या फर्द को मनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी रहेगी। सेहत अगर आपकी देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के आगाज़ से ही सेहत आपकी बेहतर और खुशगवार जो है वो नज़र आती है और ख़ुशी के तासरात भी आपके चेहरे पर नुमाया तौर पे दिखाई देते हैं। लेकिन ये कैफियत इस वीक के आगाज़ की है, दरमियानी हिस्सा एहतियात का है, क्योंकि दरमियानी हिस्से में ख़र्चा बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ससुराल वालों से मुलाकात मतवक्को है, जो कि बेहतर माहौल में तो शायद हो जाए, लेकिन विरासती मामलात आपके थोड़े से पेचीदगी इख्तियार कर सकते हैं। रिश्तेदारों से मायूसी पैदा हो सकती है, बड़ों बुज़ुर्गों से डांट डपट भी दिखाई देती है, नौकरी पेशा अफराद की जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा रहेगा, बल्कि कुछ तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अफसर आने वाला की जानिब से डांट डपट हो सकती है। कोशिश करें कि सफ़र के दौरान भी मोहतात रहें, हादसात का अंदेशा पाया जाता है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वीकेंड आपके लिए इन तमाम ख़राबियों को ख़त्म करेगा, आपके मामलात में बेहतरी को, तसलसल को पैदा करेगा। वही काम जो दरमियानी हिस्से में रुक रहे थे या मायूसी नाउमीदी पैदा कर रहे थे, बेहतरी के मौके जो हैं मुयसर आएंगे। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में मसरूफियत रहेगी, मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत फ़ैसले करने का मौका मिलेगा, दोस्तों से मुशावरत और गपशप रह सकती है। यह हफ़्ता फाइनेंस के हुजम को भी बढ़ा सकता है अगर बेहतर हिकमत अमली को तरतीब दे रहे हैं। अखराजात दरमियानी हिस्से में होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेविंग जो है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात में ताखीर का शिकार हो सकते हैं। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र फैमिली के साथ आपको करना पड़े, वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बच्चों के मामलात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वासिउ, 137 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुरज हूत पाइसिस की जानिब। बुरज हूत पाइसिस 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुरज हूत वालों का ये पूरा का पूरा वीक कुछ इतना बेहतर नहीं है, सिर्फ इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है, जो मिडल पोर्शन है, वो कुछ थोड़ा सा आपको रिलीफ दे सकता है, जिसमें 31 अगस्त और 1 सितंबर की तारीखें कुछ थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ इस वीक का आगाज़ चिड़चिड़ापन, बेचैनी से होगा, अनजाना डर खौफ आपको तंग कर सकता है, बच्चों की सेहत का ख़राब होना, बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ना, महबूब से मायूसी रहना, पेट के मसाइल हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला, कब्ज़ का, या अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है, फिशर की, बड़ी आंत का मसला है, हाजमे का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किडनी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब इस वीक में हो सकती हैं। और नौकरी के हसूल में भी दुश्वारी पैदा होती हुई दिखाई देती है, किसी से कर्ज़ लिया तो ये चीज़ उनकी जानिब से भले तकाजा ना हो, लेकिन आपके जहन पर एक बोझ और दबाव रहेगा कि दिमाग आपका जो है वो शायद आपको सोने ना दे, वो सोता हुआ दिखाई नहीं देता, आपको अनरेस्ट करेगा, बिलावजह खामखा दूसरों से उलझते हुए, लड़ते हुए, अपनी नेचर और तबीयत के बिल्कुल बरक्स बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। और यही कुछ कैफियत इस वीक के अख्ताम में भी रहेगी, कि अख्ताम भी आपका मायूसी नाउमीदी से हो सकता है, डॉक्टर के पास भी चक्कर या डॉक्टर की यात्रा करने का मौका भी आपको मिल सकता है, और दौरान सफ़र मुश्किलात भी रहेंगी, विरासती मामलात हों, ससुराल से ताल्लुकात हैं, अपने घर वालों से ताल्लुकात हैं, दोनों सूरतों में कुछ मामलात इतने बेहतर नहीं हैं। लेकिन इस वीक के दरमियानी हिस्से की अगर बात की जाए 31 अगस्त और 1 सितंबर की, तो ये दो दिन थोड़े से आपको रिलीफ देंगे, जिसमें जहन पुरसकून रहेगा, बच्चों की जानिब से सकून रहेगा, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी, गैर शादीशुदा अफराद की मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लाइफ पार्टनर आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा, अपनी दिल की बात अगर आप किसी से करना चाहते हैं तो इन दो दिनों का इंतखाब करें, कोई काम करना चाहते हैं इन दो दिनों का इंतखाब करें, इन दो दिनों में कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी की जा सकती है, फाइनेंशियली तौर पर बेहतर, या ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, सैर व तफरी भी खुशगवार तासर, या घर से बाहर खाना पीना भी आपके लिए
बेहतर रहेगा। ख़रीदारी करके आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करते हैं। ये बुर्ज हूत वालों का खासा है कि अगर आप थोड़े से भी बीमार हों तो आपको किसी शॉपिंग मॉल में छोड़ दिया जाए तो एक घंटे के अंदर आपका सारा बुखार भी उतर जाता है। तो ये खासियत आप लोगों के अंदर पाई जाती है। तो मसरूफियत आपकी बेहतरीन रेमेडी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मोमिन, 136 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।